अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। जैसे हमने बोला था कि एटम्स को, बहुत सारे एटम्स को मिला दोगे, मिलियंस ऑफ एटम्स से हमारे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एलिमेंट्स बनेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। अब मॉलिक्यूल इज़ अ जनरल अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड। केमिकल, देखो यहाँ पे वर्ड है केमिकली बॉन्डेड। सपोज ये एटम है और एक ये एटम है, दोनों को कंबाइन करने के लिए एक केमिकल बॉन्ड चाहिए। दैट इज़ टाइटली हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म अट्रैक्शन। अब ये दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन बन रहा है उसकी वजह से ये क्या बन रहा है, हमारा बॉन्ड बन रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब जो मॉलिक्यूल है आपका, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, हमारा एटम नहीं कर सकता, ठीक है। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। क्लियर है, ठीक है भाई। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूट बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। अगर आर्गन का एक ही होगा तो होगा, ठीक है, या अगर एलिमेंट बनता है तो किसी दूसरे दो मैट क्या नाम है एटम्स भी कंबाइंड होके बना देते हैं। क्लियर है। जैसे ओजोन में टू होते हैं और क्या नाम है ओजोन में थ्री होते हैं, ऑक्सीजन में टू होते हैं, ठीक है, इसी तरीके से। अब ये क्या है, एटोमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या है नॉन मेटल्स हैं, ये नेम है, और एटोमिसिटी, आर्गन मोनो एटॉमिक होता है, हीलियम मोनो एटॉमिक, ऑक्सीजन डाई, हाइड्रोजन डाई, नाइट्रोजन डाई और क्लोरीन भी डाई, फॉस्फोरस टेट्रा और सल्फर पॉली एटॉमिक, एक से ज़्यादा। मोनो का मतलब सिंगल, डाई में दो, टेट्रा और ये पॉली में ज़्यादा, मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड, कंपाउंड में क्या होगा, 1:8 का रेशियो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। अमोनिया क्या होगा, 14:3, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिखाएं कहाँ पे पढ़ा है, ये देखो हमने कहाँ पढ़ा था, 1:8, 14:3, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऊपर चीज़ों को याद रखो, मार्क करते हुए चलो, सो दैट कि रिवीजन करते वक्त आपका कम से कम टाइम लगे और आप एफिशिएंट वे में अपना एग्ज़ाम दे सकें। क्लियर है, एफिशिएंट वे में आप अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर पाएँ। क्लियर है, चलो देखो यहाँ पे एलिमेंट रेशियो बाय मास, एटॉमिक मास, मास रेशियो, एटॉमिक मास और ये सिंपलेस्ट रेशियो, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ठीक है, 1 ग्राम और ये 8, ठीक है, 1:16। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1:1 करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, और 8:16 करेंगे तो 1:2 आएगा। क्लियर है, व्हाट इज़ अनायन, और ये पढ़ेंगे हम सेकंड क्लास, सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे इसके सेकंड पार्ट के अंदर इस वीडियो के, कि मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, अनायंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें। तब तक आप जितना अभी तक कराया उसको रिवाइज़ कीजिए, उसको याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जैसे वीडियो में मैंने हाईलाइट किया हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, आप अपने बुक के अंदर मार्कर से कर सकते हैं या हाईलाइटर से, नहीं तो सिंपल पेंसिल से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जब तक आती है तब तक आप इतना रिवाइज़ कीजिए। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसको बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है आप लोगों का, बहुत आप ध्यान से पढ़ रहे हो। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।